बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ डिजिटल के साथ मैं हूँ सैयद अमीर अहमद। नाज़रीन आज असीं तुहाडे सामने प्रोग्राम लेके आ रहे हैं कि तुसां जिस तरह सुने होंगे हर जगह ते अजकल पानी का बोर आम हो रहा है। हर दूसरा बंदा अपने घर के अपने डेरे से अपनी जमीनों के पानी का बोर करा रहा है। और जिस तरह अजकल गर्मी पै रही है, कुछ ऐसे लोग मुखीरस रात सदका जारिया समझ के भी जगह जगह फीस भी ला पानी के बोर करा रहे हैं। आज ना दिन असी इस टॉपिक पे ऐसे बंदे नाल गल करांगे जिसका नाम मूसा खान है और डिस्ट्रिक्ट जिला तहसील दीना दे विच मूसा खान बहुत ज़्यादा पानी के बोर कर रहे हैं। अक्सर लोग कह रहे हैं कि पानी के बोर के दौरान काफ़ी मसाइल का सामना करना पैना है। जिस तरह अक्सर सुनने चाहिए कि पानी के बोर लीक हो जाने या पानी के बोर के जो पाइप डाले जा रहे हैं वो नाकस क्वालिटी के होने जिसकी वजह से बोर खराब हो जाने। उसके बाद होना की है कि उसके बाद दोबारा उन्हें बोरों को दोबारा रिपेयर करने वास्ते उतनी खर्चा दोबारा करना पैना। साढ़े नाल अज मौजूद हैं मूसा खान जिन्हों का तलक इसे कैटागरी के नाल है और पानी के वो बोर करते हैं। उन्होंने को असं जाने कि पानी के बोर अक्सर क्यों खराब हो जाने, उन्होंने जो पाइप डालते हैं केसिंग जिन्हों से कहने वो क्यों फट जानी है, उसकी बुनियादी वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मूसा खान, दसो कि तुम तहसील दीना के एरिए कितना अर्सा हो गया काम कर? तकरीबन 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हो गए। अच्छा, अक्सर लोगों को यह शिकायत होनी है कि उन्होंने बोर के जो पाइप होंगे फट जाने, उसकी बेसिक वजह की होती है? लोग सस्ता कराने के चक्कर ना अपना जरा ना बोर बर्बाद करवा देते हैं। जिस तरह के पाइप जरा ना उसकी एक सही क्वालिटी है, ठीक है, जो अच्छा पाइप है वो मतलब है बोर वाले की कोशिश होती है कि सस्ता पाइप दस के कम लै लें, लेकिन कराने वाले ये होना चाहिए कि जाना ये नहीं तकना कि सस्ता हो जाएगा या सस्ता कर रहे हैं, वो पाइप देखना चाहिए। वैसे नॉर्मल तौर पर जो अच्छा बोर कर रहे हो कि पाइप इस्तेमाल कर रहे हो? अगर मल आ रही है तो उसके वास्ते जलम दे पाइप कोई नहीं आना चाहिए, ठीक है। जिस तरह के खास दीने के बागों शागों अगे पिछे एरिए उत्थे जो है ना वो गुजरात या लोग को स्पैशल बनवाना पैदा है। जेलम का जोड़ा पाइप है ये सिर्फ पथरीले इलाके वास्ते है, जिते पत्थर हाउसी या ट्यूबवैल वास्ते तो रेत वास्ते। मल के वास्ते बी क्लास का पाइप जो है ना वो गुजरात या लोग को बनवाना पैदा है और उसके नाल बोर कदे नहीं पड़ता। उसी के वजह का बाकी पाइप क्यों नहीं कमियाँ? क्योंकि वो पाइप जड़े ना जेलम वाले दूसरे जड़े इतने विक रहे हैं, ये पाइप जड़े ना ये इतने अच्छी क्वालिटी के नहीं, क्योंकि ज़्यादातर इलाका जितना भी है उस दे विच माल कोई नहीं जेलम दे विच, सिर्फ है दो तीन इलाके जिते माल है उत्थे बोर बहुत घट आते। उस वजह तो दुकानदार आते हैं कि विकता नहीं है, इस वास्ते असीं ना रहे। अच्छा मूसा खान, तुम ये दसो कि माल वाली जगह तो जो नॉर्मल पाइप तुम आम यूज़ करनी हो वो क्यों फट जाने, उसकी वजह क्यों? उसकी वजह यह है कि वो पाइप जोड़ा होंगे ना उसके चाक मिट्टी ज़्यादा मिक्स हो जाती है, ठीक है, दाने का पाइप नहीं आता, तो दाने का पाइप जोड़ा ना वो अगर पाया जाए तो सारी जिंदगी जो है ना और कदे भी नहीं फटना गरंटी। जी नाजीन, तुम गल सुनिया मूसा खान दिया कि मूसा खान का कहना है कि जिस समय असी माल वाली जगह पर नॉर्मल पाइप इस्तेमाल करने हैं उस चाक मिट्टी का इस्तेमाल उस ज़्यादा होना है, जिसकी वजह तो वो अक्सर फट जाना है। क्योंकि माल के अक्सर लोगों ने यह कंप्लेंट की थी, अक्सर लोगों ने गलबात की, सवाल भी किए सर कि माल वाली जगह पर आम पाइप क्यों फट जाना है। और असं मूसा खान के नाल गल की, इन्हें टाइम दिता, इन्हें बड़ी मेहरबानी, इन्हों को असं इसे वास्ते अज सवाल जानना चाहते हैं और नाज़रीन दसना चाहते हैं कि अक्सर असं कि गलतियां कर पाने बोर के जिस वजह तो बोर सा नाकाम हो जाना है। मूसा खान, मोस्टली जो दीने का इलाका वा इस कितने फुट तक पानी आ जाना? इत मुख्तलिफ किधरे अगर 40 फुट तो मतलब है पानी आ रहा तो वह बोर तो 100-120 फुट हो सी, ठीक है। कुछ इलाके ऐसे जितने 150 फुट का आता वह बोर 200-250 फुट तक जाते हैं, ठीक है। तो हर इलाके का अपना हिसाब है कि कितने स्टेटे का पानी आता है। जे राही कोई तलक नहीं होता असंत यह तकना होंगे कि पानी शो पानी कितना बन गया। मूसा खान, जिस तरह मैं जानना कि 5-6 साल तो लगातार चीचक घाट कुवाड़ बड़ा जंगल के इलाके के बोर कर रहे हो, बिल्कुल, और उस दिन इतना कितनी गहराई पानी आ जाए? इतना चकका तकरीबन
180-170 इतना बोर कामयाब है, एक मोटर लाओ दो मिसाइल लाओ, बेहतरीन कामयाब है। और तो कमांड दे भी 150-140-135 तक जरा ना बोर बिल्कुल कामयाब है। अच्छा मूसा खान, मोस्ट एक और तुम सू गल दसो कि बोर करने ऐसा कि मेजर गलतियां होंगे जिसकी वजह तू बोर के खराब होने के चांस ज्यादा होते हैं? गलतियां ये होंगे कि मालिक की कोशिश होंगी है कि घट से घट रेट दे के बोर कराइए, ठीक है। तो जोड़ा बोर वाला होंगे उसमें भी पता होंगे कि मैं हूँ इसने इन्ना बहुत घट रेट दिता है, ये रेट नहीं दे रहे, वो अपना 10-20 हज़ार रुपया बचाने वास्ते ना मतलब है 1.5 लाख या 1,30-40 हज़ार रुपया जोड़ा ना वो जाया कर छोड़ दे। हूँ असी तो देखना यह है कि 10-20 हज़ार ज़्यादा या 1.5 लाख ज़्यादा, असी वो 10-20 हज़ार दे देना चाहिए मजीद और अपना बाकी रकम और टाइम जरा ना बोर बचा देना चाहिए, अच्छे तो अच्छा काम कराना चाहिए। अगर 100 फुट का बोर है, 100 फुट तो पानी आ जाने हैं, तुम उसमें तकरीबन जितना भी 20 फुट 30 फुट या 40 फुट पानी देने हो जी, उस सब्जी कितने की दिहाड़ी लगा देने? तकरीबन अगर लगातार काम करिए, टाइम ना लाइए तो तकरीबन अच्छा काम करने वास्ते हफ्ता 8 दिन लग जाए। क्या मतलब तुम टाइम से नहीं आने? नहीं असं तो टाइम सिर ही आने, लेकिन गल कर रहे अगर टाइम सिर अस आईए तो इतना टाइम लगे। वैसे ही क्या कुछ बंदे होंगे ना लापरवाह जी होंगे ने, 11-12 बजे मशीन पर आए, 3-4 बजे तो 11-12 बजे अक्सर देखने चाहे तुम भी आए नहीं किसे दिन होंगे भी जिस दिन असी कोई समान लियाना होरीद के या कोई पाइप शाइप बोकी शोकी का मूँह शू लियाना हो तो वह जनाब उसके वास्ते असी थोड़े लेट हो जाने, लेकिन बोर च 1-2 दिन ही ऐसे होंगे। अच्छा मूसा ने दसो कि बोर करने के दौरान अगर खुदा ना हादसा थोड़ी बोकी टुट जानी है या पाइप टुट जाना है, इस तो बाद फिर तुसी के लाए मल इख्तियार करने हो के तुसी करने? उसनों असी मतलब है भी अपने औजारा नाल कढ़ने हैं, ठीक है, तो वह साढ़ा हफ्ता 6 दिन जाया हो जाए, लेकिन वह बड़ी मुश्किल होती है, खैर कढ़ लैने। अगर इस तरह भी होया कदे बोर कर रहे हो तुसी उसके अंदर केसिंग यानी कि पाइप डाल रहे हो पानी वाला पाइप डाल रहे हो पाइप गिर गया फिर तुम कर रहे हो? असी उसनों काट के फिर उसनों देखने पाइप किधर डैमेज तो नहीं होगा, अगर डैमेज हो क्या पॉसिबल है वो पाइप तुम दोबारा काट सकते हो? जी जी बिल्कुल काट सकते हैं, अगर असी लोहे की केसिंग नहीं कटी कढ़ने की पहले असी साढ़े को टैप पैंता है तो असी आराम वापस कर लेंगे। तुम नाजरीन जो प्रोग्राम देख रहे हो उन्होंने तुम पैगाम देना चाहोगे कि एक अच्छा बोर करने वास्ते के तदाबीर करनी चाहिए और कि गलों का अमल करना चाहिए? बोर वाला जिसने तुम कम दे रहे हो तुम ये देखो कि बंदा किस तरीके गल कर रहा है, ठीक है, और उसनों यही कहो कि सानू 5-10 हज़ार नाल कोई तंगी नहीं है, तुम सानू कम सही कर दे, ठीक है, और पाइप जड़ा ना कोशिश करो मतलब है 22 किलो या अच्छा दाने वाला या 24 किलो वाला 28 किलो वाला इस तरह के पाइप आओ वो आओ, तो जड़े 18 किलो का या 16 किलो के पाने वो चलते जाने लेकिन कुछ अरसे बाद फट जाने, ठीक है, इस वास्ते कोशिश यही होनी चाहिए है कि अच्छा पाइप पवाओ और पाइप में देखो अपने काम में देखो इलेक्ट्रॉनिक्स से वाले ना उसके अंदर जी वायरिंग बिजली की तार और मोटर इस्तेमाल करनी वो किसी अच्छी कंपनी की करनी जी? बिल्कुल असी जड़ा ना जेडी कंपनी की तार शार इस्तेमाल करने हैं, उस तो बाद छिक जड़ी है मिसाइल मोटर में लगती है तो छिक क्वालिटी स्टील वायर इस्तेमाल करने हैं डबल प्लाई वाली, तो बिजली की तार है वो प्योर कापर विच डबल प्लाई वाली इस्तेमाल करने हैं, मोटर जिस तरह ना गाहक साढ़े को मंगता है कि 1.5 या 1.1 का लगाया तो कापर विच उन्होंने दसी दा भी यह मिसाइल है। अच्छा मूसा खान ये दसो कि तुम घट तो घट के रेट लैने हो ज़्यादा ज़्यादा के रेट लैने हो? देखो कुछ ऐसे लोग होंगे ने जो अच्छे प्रोग्राम साढ़े देख भी रहे हैं, कुछ ऐसे गरीब लोग होंगे ने जो किसी सहारे का इंतजार कर रहे हैं कि कोई मुखीर हजरात मेरी हेल्प करें, लेकिन बाद का ऐसा होना कि कोई ऐसे पोश तबका नाजीन होना है कि जरा किसी का हाथ नहीं बुला सकना, किसी का गल नहीं कर सकना, अपने दिल की पड़ास नहीं किसी का कर सकना, वो लोग भी हैं उन्होंने लोगों वास्तव भी स्पेशल असं मूसा खान अगर रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर ऐसे मस्कीन लोग आ जाने उन्होंने वास्ते के फेवर कर सकते इंशाल्लाह रबता कर
कोशिश करता जितना उन्होंने तावन कर सकी है पाइप बिच भी बोर बिच भी ते अच्छे तो अच्छा काम करके देसा मायूस ना करन ले और जितना हो सके अपनी तरफ उन्होंने तावन करा जी। नाज़रीन तुसां सुने मूसा खान दीआं गल्लां सुनियां कुछ ऐसे लोग होंदे जिहड़े बड़े गरीब बहुत ऐसा तबका होंदा जिहड़ा किसे अगे अपनी फरियाद नहीं सुना सकना अपने दिल की गल किसी नहीं दस सकना सिर्फ इंसान तो देखे कि उस तन ते एक लिबास अच्छा है और उसके अंदर उसके पाकट के विच ये तो सिर्फ रब की जात या वो इंसान जान सकना है। और ऐसे लोग जो अब मेरा प्रोग्राम देख रहे उन्होंने मैं गुजारिश कराँगा उन्होंने ये पैगाम देंगे असं मूसा खान का पैगाम है कि वह लोग मूसा खान का राबता करन और इंशाल्लाह ऐसे लोगों का सहारा मूसा खान भी बन सकन। और मूसा खान का यह कहना है कि मैं बिल्कुल अगर कहो कि बिल्कुल जितनी हेल्प हो सकी वो ऐसे लोगों की हेल्प कराँगा और मैं गरंटी है कि मैं इंशाल्लाह ऐसे लोगों को बहुत अच्छा काम करके देंगे। खुश रहो आबाद रहो एक दूसरे का ख्याल रखो और बोर कराने वास्ते मूसा खान को रब्ता करो इंशाल्लाह अच्छा काम करके देंगे और अपने अपने घराने भी खुश रहो सइयां बेलियां खुश रहो बस।